नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है IDBI बैंक। देखिए IDBI बैंक बेसिकली एक देखा जाए तो नाम से एक प्राइवेट बैंक है, मगर इस कंपनी का पूरा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। पूरा का पूरा हिस्सेदारी का मतलब है 94% का हिस्सेदारी, 94.7% का हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। सिर्फ बाकी 5% का होल्डिंग जो पब्लिक और आदर्श हैंड के पास है। तो इसका मतलब कंपनी पूरा का पूरा गवर्नमेंट कंपनी तो हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेजोरिटी स्टेक गवर्नमेंट के पास ही है। तो इस कंपनी के ऊपर मुझे जो पिछले दिनों में एक कमेंट किया गया था कि इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए क्या आपके राय है। देखिए पहली बात बता दूं, कंपनी का जो पी रेशियो है वो 15 के आसपास है और कंपनी के जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो वो 12 के आसपास है। ROC ROE दोनों ही आपको खास दिखेगा। ऑब्वियसली ROE आपको खास देखने को मिलेगा 11.8% के आसपास, और डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 0.5.77 के आसपास देखने को मिले। प्रोमोटर के पास होल्डिंग 94.7% के आसपास देखने को मिले। अर्निंग पर शेयर 5.38% के आसपास देखने को मिला है। सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखा और उसी बेसिस में कंपनी के डेप्थ एकदम जीरो है, तो सॉरी डेट ऑफ डे एकदम जीरो है। तो कंपनी के जो डेप्थ है, कर्जा जो कंपनी लिया, क्या सही में कंपनी का कर्जा बढ़ता हुआ देखने को मिले? बिल्कुल नहीं। ये कंपनी के लिए थोड़ा सा मुझे वीकनेस पॉइंट लगा, क्योंकि पहले कंपनी का 3,21,000 करोड़, 3,35,000 करोड़, 3,25,000 करोड़ के आसपास बोरिंग्स देखने को मिले, वो आज घट के 2,95,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। मतलब कर्जा यहाँ पे कम हुआ है, कंपनी कर्जा कम लिया है। तो देखिए कोई भी बैंकिंग सेक्टर अगर खुद कर्जा कम ले रहा है, मतलब उसका लोन देने का जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगा, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बाकी कंपनी के ऊपर CWIP में कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इस बार 108 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया, और कंपनी के ऊपर टोटल जो कैश फ्लो है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो कैश फ्लो है वो अगर देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट इस बार 222 करोड़ के आसपास परचेज किया। देखिए बैंकिंग सेक्टर में फिक्स्ड एसेट ज़्यादा परचेज करें ना करें, तो देखिए बैंकिंग सेक्टर में फिक्स्ड एसेट परचेज मतलब क्या होता है, कंप्यूटर्स वगैरह, और साथ ही साथ देखा है तो कुछ एसेट जो है जिसको परचेज करने ऑफिशियली काम करने के लिए जो एसेट परचेज किया जाता है उसी को परचेज यहाँ पे करता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल टोटल जो कंपनी का बिजनेस है वो ठीक ठाक ही है। फिर एक ही दिक्कत वाला बात है कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर जो सबसे ज़्यादा प्रोमोटर के पास है। देखिए प्रोमोटर ने माल बेचा नहीं, और गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, सेबी के रूल्स के हिसाब से प्रोमोटर के पास इतना होल्डिंग नहीं होना चाहिए, उसको माल बेचना पड़ेगा और वो भी OFS के माध्यम से, ऑफर फॉर सेल के माध्यम से उसको माल बेचना पड़ेगा। तो इस चीज़ों को पहले समझिए, जिस तरीके से कंपनी काम कर रहा है, जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रहा है, उसको आज नहीं तो कल उसका शेयर को बेचना होगा। अगर बेचेंगे तो एक अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस में उसको जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस करेक्शन होगा और उस टाइम में इंस्टीट्यूशन के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग दिखेगा। तो रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में, तो मैं पहले बोल चुका हूँ जब यहाँ पे पैटर्न्स बना था, फाइनली एक कप हुई धन्य पैटर्न्स बना और इसका ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए शानदार तरीके से एक जर्नी दिखाया था, और जर्नी होने के बाद कंपनी के जो टारगेट है उस टारगेट मिलने से पहले ही कंपनी के ऊपर करेक्शन हो गया। तो मैंने टारगेट बुक नहीं कर पाया, मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूँगा जब तक इस लेवल को टच न करे। वो लेवल निकल कर है 100.85 रुपीज़ के आसपास। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जब तक इस कंपनी के ऊपर टारगेट ना हो तब तक मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। दीपक नाइट्रेट लिमिटेड बेसिकली एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और इस कंपनी फाइन एंड स्पेशलिटी जो केमिकल्स है उसके ऊपर काम करते हैं, परफॉर्मेंस केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस बहुत स्ट्रांग इसीलिए है क्योंकि कंपनी के ऊपर जो मार्केट शेयर है वो एक स्ट्रांगली मार्केट शेयर लेकर रखा है। जैसे ग्लोबली मार्केट में DASDA
जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 60%, साथ ही साथ फ्यूल आदि सब के ऊपर 75% मार्केट शेयर। नाइट्रो सॉरी एक बार में, हाँ आप देख सकते हैं, नाइट्रो जो टोलन है उसके ऊपर 50% मार्केट शेयर है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे तो ऑप्टिकल जो मतलब ब्राइटिंग है, जो ऑप्टिकल ब्राइटिंग उसके ऊपर 75% मार्केट शेयर है। तो ओवरऑल इसका जो मार्केट शेयर है कुछ पॉजिटिवली देखने को मिला, इसी पॉजिटिवली के का पॉजिटिव के कारण कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है वो अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस कर रहा है, इंडिया में 80%, बाकी यूरोप में 10% और एशिया में 5.2%, यूएसए में 4% एंड अदर्स में 0.8% के आसपास। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर जो परसेंटेज है वो कुछ पॉजिटिवली देखने को मिला है, और इस पॉजिटिवली ग्रोथ के कारण अच्छा खासा कंपनी का जर्नी भी देखने को मिलेगा। जैसे कंपनी के जो सेल्स का आंकड़ा है, बहुत दिनों के बाद कंपनी सेल्स को फिर से रिकवरी किया, क्योंकि देखिए पहले 2000 करोड़ के ऊपर सेल्स चला गया था, बीच में कम होकर 1900 करोड़ 1700 करोड़ के आसपास आ पहुँचे थे। अभी फिर से उसको रिकवरी किया और इस बार कंपनी का हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला 2126 करोड़ के आसपास, और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी 234 से 254 करोड़ तक बना। मतलब एक अच्छा खासा हाई लेवल का नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ होते देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा, यहाँ पे टोटल ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो जो डेटा यहाँ पे देखने को मिले उस डेटा के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल है, आगे बढ़ने का दम है। बाकी इस कंपनी के ऊपर कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कैश फ्लो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ दिखा, जैसे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 108 करोड़ से लेकर 880 करोड़ तक कंपनी का कैश फ्लो, मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखने को मिला, जो नेट प्रॉफिट के हिसाब से कितना है, नेट प्रॉफिट था 811 करोड़, 811 करोड़, और कैश फ्लो देखने को मिला है कितना, 878 करोड़। मतलब कंपनी का कैश फ्लो और नेट प्रॉफिट सेम टू सेम है, तो एक अच्छी बात है किसी भी कंपनीज के लिए, और इसीलिए शायद मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी एक अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं। कंटिन्यूसली एक पॉजिटिवली म्यूचुअल फंड ने बाई किया और FS ने कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया, और बाकी प्रोमोटर के पास पहले जितना होल्डिंग था उससे होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, इस कंपनी के ऊपर मैं हमेशा कंटिन्यू करता रहता हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो पैटर्न बना था उसके ऊपर बहुत टाइम लगाया, बहुत टाइम और पेशेंस बहुत यहाँ पे दिखाना पड़े, उसके बाद मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड बना है वो कंटिन्यूसली एक स्ट्रांगली सपोर्ट मेंटेन करके आगे बढ़े हैं, इसका मतलब इजीली वो टारगेट अचीव करें ना करें इस हाई लेवल तक वो टारगेट जरूर जाने का कोशिश करेंगे, 23% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना, और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसके नाम है CSB बैंक। तो CSB बैंक के ऊपर मैं बहुत दिनों पहले एक वीडियो बना के शेयर किया था कि बैंकिंग का जो हालत है वो बहुत स्ट्रांग है, CSB बैंक का हालत बहुत स्ट्रांग, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना, कंपनी का जो पी रेशियो है इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है, कंपनी के ROC और ROE में हमेशा आपको बैंकिंग सेक्टर में ROE को देखना है, ROC कम हो तो चलेगा मगर ROE आपको 15% के ऊपर मास्ट भी होना चाहिए, तभी उस बैंक को अच्छा माना जाता है। तो अच्छा खासा यहाँ पे इनकम भी हो रहा है, कंपनी के ऊपर डेप्थ भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है। अभी क्वेश्चन है कि डेप्थ तो बड़ा है, उसके कारण क्या कंपनी के ऊपर सेल्स भी बढ़ा है? हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं पिछले बार का जो सेल्स था इस बार उसका हाइस्ट सेल्स देखने को मिला, 497 से 520, 636 एंड 795 के आसपास देखने को मिला। इंटरेस्ट के बारे में बात करूं और यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 43 से लेकर 130, 156 एंड 151, कुछ इस तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी के ऊपर आगे बढ़ने का एक पोटेंशियल है, आगे बढ़ने का एक दम भी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट है वो करीबन करीबन सॉरी नेट NP जो है वो पहले 3% तक चला गया था, 2% 3% तक, और आज घट के वो कितना हो चुके हैं, 0.51% के आसपास।
जो पिछले सालों में, पिछले क्वार्टर्स में 0.33% के, 30% के आसपास हुआ करता था, इस बार थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। कोई बात नहीं, इस तरीके से चलते रहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा, कभी ज़्यादा और कम चलते रहते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ये देखना है कि वो परसेंटेज 0.60 के ऊपर गया है कि नहीं गया है। अगर 0.60 के नीचे है तो ठीक ठाक काम कर रहा है, और NPV अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। तो बेसिकली CSB बैंक के ऊपर ओवरऑल बात करूँ, कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसीलिए एज ए इन्वेस्टर भी अच्छा खासा यहाँ पे खुद के होल्डिंग को भी मेंटेन कर रहा है, चाहे FS हो, चाहे DS हो, चाहे पब्लिक हो, और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग है। तो CSB बैंक के ऊपर अगर मैं चार्ट को ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न भी क्रिएट हुआ, और फाइनली देखिए ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। जब रिटेस्ट किया तब मैंने इस जगह पे पोजीशन बनाया, और उसी बेसिस में कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक टारगेट मिलने का चांसेस है, जो टारगेट निकल कर है 52% के आसपास, तो बहुत शानदार एक टारगेट मिलने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है उसी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस लेवल को ब्रेक करके वो ऊपर जा सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है KEC इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो KEC इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आज का दिन का लास्ट डे था, सॉरी कल का दिन का लास्ट डेट था, और आज का दिन फाइनली बोनस मिल चुके हैं 1:4, सॉरी 4:1 का, मतलब हर एक के बदले कंपनी 4 शेयर यहाँ पे दे चुके हैं। कितने लोगों को बोनस मिला जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक कर देना। और ये वीडियो टोटली एडुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से कभी नहीं है, कभी नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।